मंगलवार को सुबह 11 बजे देश की वित्त मंत्री यानी कल निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करने वाली हैं। इससे पहले वित्त मंत्री ने आज संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश की। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि सरकार ने एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की है। इससे रिटेल ईंधन महंगाई दर फाइनेंशियल ईयर 2024 में नीचे बनी रही। वहीं इससे वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने का अनुमान है। इसके साथ ही बढ़ती वर्कफोर्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए सालाना लगभग 78.5 लाख नौकरियां पैदा करने की जरूरत है। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय का आर्थिक मामलों का विभाग हर साल केंद्रीय बजट से ठीक पहले संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश करता है। इसे संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाता है। सर्वे में पिछले 12 महीनों में भारतीय अर्थव्यवस्था में हुए डेवलपमेंट की रिव्यू की जाती है। तो कल संसद में बजट पेश करने वाली है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उससे पहले ये रिव्यू जो कि हर साल होता है। अब बड़ा सवाल है, कल जब बजट आएगा तो किसके लिए क्या कुछ सौगातें आने वाली है। अच्छा, आर्थिक सर्वे में क्या कुछ बातें निकलकर सामने आई है ये भी आपको बता देते हैं। देश की आर्थिक सेहत अच्छी है, देश में महंगाई काबू में इस समय है, जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% रहने के आसार है। आर्थिक सर्वे में कृषि पर फोकस बढ़ाने पर जोर है। जियोपॉलिटिकल चुनौतियों के बावजूद आर्थिक स्थिति हमारी अच्छी है। आईटी सेक्टर में ज्यादा हायरिंग की उम्मीद फिलहाल नहीं है। हर साल 78.5 लाख रोजगार देने की जरूरत अभी भी पूरे देश भर में है, आर्थिक सर्वे ये कहता है। हर साल 78.5 लाख रोजगार की जरूरत है। बढ़ते वर्कफोर्स की जरूरत को देखते हुए रोजगार जरूरी है। गैर कृषि क्षेत्र में नौकरियों की जरूरत है। 2030 तक सालाना औसतन 78.5 लाख नौकरियों की जरूरत अभी पड़ रही है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुश्किल है, ये भी सर्वे में आया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में मुश्किल बनी हुई है अभी भी। इसका असर कैपिटलाइजेशन पर भी और इसके फ्लो पर पड़ सकता है। सर्विस सेक्टर में आगे ग्रोथ अच्छी रह सकती है। नौकरियों के मौके पैदा करने के कॉरपोरेट सेक्टर की भूमिका बढ़ानी चाहिए। मौजूदा वित्त वर्ष में आईटी सेक्टर में ज्यादा हायरिंग की उम्मीद फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ये आर्थिक सर्वे में, इस रिव्यू में ये तमाम बातें सामने आई है। साथ ही कोविड काल के बाद 20% रियल जीडीपी बढ़ी है। कोविड-19 महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ सुधार हुआ। वित्त वर्ष 2024 में रियल जीडीपी वित्त वर्ष 2020 के मुकाबले 20% ज्यादा थी। वित्त वर्ष 2025 में भी मजबूत ग्रोथ जारी रखने की संभावनाएं इस समय इस रिपोर्ट के मुताबिक है। भारत का सर्विसेज एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। वित्त वर्ष 2023-24 में सर्विसेज एक्सपोर्ट 4.9% बढ़ा। 431.1 अरब अमेरिकी डॉलर्स हुआ सर्विसेज एक्सपोर्ट। मुख्य रूप से आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज का योगदान इसमें सबसे अहम कहा जा रहा है। 2024 में रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो भी घटा है, ये भी बात सामने आई है। वित्त वर्ष 2023 में इन्फ्लेशन औसतन 6.7% रहा, वित्त वर्ष 2024 में घट करके 5.4% पर आ गया है। आर्थिक सर्वे से जुड़ी कुछ अहम बातें ये भी आप जानिए। वित्त वर्ष 2025 में 6.5% से 7% जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। 2023-24 में एग्री ग्रोथ 4.7% से घट करके 1.4% हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्राथमिकता देने की हम सबको जरूरत है। नेशनल मिशन ऑन एडिबल का दायरा बढ़ाने पर चर्चा संभव है। ज्यादा रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025 में आईटी सेक्टर में हायरिंग की ग्रोथ धीमी पड़ी है। दाल का रकबा बढ़ाने के लिए और प्रयास करने होंगे सरकार को। कोर सर्विसेज महंगाई घट करके 9 साल के निचले स्तर पर है। सीजनल वेजिटेबल्स के लिए स्टोरेज फैसिलिटी की व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी। ये तमाम बातें सर्वे में निकलकर सामने आई है। लेकिन कुल मिलाकर की अच्छी बात यह है कि देश की आर्थिक सेहत जो है इस समय अच्छी है। कल अब संसद में बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। देश को क्या सौगात मिलता है ये देखना दिलचस्प रहेगा। लेकिन फिलहाल देश में महंगाई जो है वो काबू में है, आर्थिक सर्वे रिपोर्ट ये कहता है। जीडीपी ग्रोथ 6.5 से 7% अब रहने के आसार हैं। यानी 2019-20 में जब कोविड का टाइम था और जीडीपी ग्रोथ हमारी तेजी के साथ नीचे आई, उसके बाद आर्थिक सर्वे में जो बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि इस बार तकरीबन 7% तक रहने की उम्मीद जीडीपी ग्रोथ की है। आर्थिक स्थिति समय भारत की अच्छी है। आईटी सेक्टर में बूम नजर आ रहा है। हायरिंग की उम्मीद की जानी चाहिए, ज्यादा हायरिंग हो, इस पे फोकस हो सकता है।
साथ ही लगभग 78 लाख रोजगार हर साल देने की अभी भी भारत में जरूरत है। अब सरकार जाहिर है इस पर काम कर सकती है। कल जब बजट पेश होगा तो इस सर्वे को कितना ध्यान में रखा जाता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन बढ़ते वर्कफोर्स की जरूरत को देखते हुए रोजगार भी बेहद जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिति फिलहाल भारत की अच्छी है।